हाँ जी, आज आप गोल्डन कप के बाद भी प्राइस दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन संगम युग में तो आप दादा ने डायमंड कप की प्राइस देनी चाहिए ना। डायमंड कप कैसा होता है? अच्छा है ना, वो डायमंड का कप देखा है किसी ने? अभी डायमंड कप डिक्लेयर होने के लिए डायमंड युग भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले तो वही डिक्लेयर होगा ना, पहले तो वही डिक्लेयर होगा ना, तो डायमंड भी तो दिखाई पड़े बोले। बाप और शिव बाबा में क्या अंतर है? अरे ये कुछ नया आ गया। जो बाप कहते हैं, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, कोई और दूसरा संबंध नहीं है। और बाबा तब बनता है जब कोई शरीरधारी में प्रवेश करता है। जब शरीरधारी है तो अनेकों संबंध बनते हैं, जब सिर्फ निराकार है, बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, कोई संबंध नहीं बन सकता। और मतलब दिल मन खुले दिल से बाबा। अष्टदेव में जो बौद्ध धर्म से कनेक्टेड जो आत्मा है बाबा, हाँ जी, तो उनमें भी वो कायरता वाली अहिंसा का गुण तो उनमें भी दिखाई देगा ना बाबा? तो जो भी अवगुण, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। जो भी अवगुण होते हैं वो सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में नहीं आते हैं। कब आते हैं? जब रजो प्रधान स्टेज होती है तब आते हैं अवगुण। लेकिन जितने भी देवताएं हैं अष्टदेव में, उन देवताओं में इंद्रदेव ऐसा है कि जिनको शास्त्रों में बताया कि कोई भी बात होती है, राक्षस या कहीं से भी आ जाते हैं तो तुरंत वो घबरा जाते हैं, तो क्या वो उस धर्म से कनेक्टेड है बाबा? किस धर्म से? बहुत धर्म से कनेक्टेड है वो अष्टदेव इंद्र। हो सकता है और बाबा ये जो अग्निदेव है, हाँ जी, वैसे तो तीन अग्नि का रूप बताया बाबा ने, एक योग अग्नि, काम अग्नि और एक क्रोध अग्नि। उसमें से योग अग्नि की बात तो अलग है, काम अग्नि की जो बात है कि वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, और क्रोध अग्नि जो है क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। अष्टदेव में बाबा ने बताया धर्मराज जो है वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, तो बचा जो क्रोध अग्नि, वो माना अग्निदेव जो है वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। चित्र दिखाया जाता है अग्निदेव का, अग्नि दिखाया जाता है, उसमें ज्वाला जलती हुई दिखाई गई। और वो ज्वाला क्रोध की ज्वाला भी हो सकती है,
काम की भी ज्वाला हो सकती है, क्योंकि काम विकार से ही क्रोध पैदा होता है। लेकिन धर्मराज को तो पहले कनेक्टर कर दिया ना वो इस्लाम धर्म से, जो तो डायरेक्ट जो क्रोध अग्नि का रूप धारण करेगा वो तो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टर आत्मा ही करेगी ना। इस्लामियों में काम अग्नि विशेष होती है, क्रोध अग्नि की विशेषता जब इस्लामियों से क्रिश्चियंस की पैदाइश हुई तब क्रोध हो रहा। लेकिन अग्नि का जो रूप है वो तो काम अग्नि ने तो पहले धर्मराज को तो कनेक्टर कर दिया ना इस्लाम धर्म में, तो अग्नि जो रूप बचा क्रोध अग्नि का, हाँ जी वही तो हो सकता है ना अग्निदेव। ठीक है, होना वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। हाँ जी, और पिछले जन्म में मैं ज्यादा लिख रहा था तो मुझे ब्रह्मा से और विष्णु बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ब्रह्मा अष्टदेव बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे ब्रह्मा से और शंकर बनने में। आप शंकर से ब्रह्मा बन जाओ। पिछले जन्म में आप दादा लेख राज थे, हैं? क्या तो माउंट आबू में चले जाओ, ज्यादा पूजा होगी। अंकल जी के बच्चा बन जाओ, दो बच्चे हैं, एक गणेश जी कार्तिक है। बच्चा बनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? है बाप तो वैसे ही कहते हैं बाप समान बनो, बना दे क्या, बना तो वो 500 करोड़ के दे, 500 करोड़ बन जाएंगे क्या? और मांगने वाले बन जाएंगे क्या? मांगने वाले भगत बनेंगे या बाप समान बनेंगे? भगत बनेंगे। और इस बार के अमृत वाले में कोई खास बात नहीं आ रही, रेडी हो गई। कोई खराब बात तो नहीं बताई? बस जोश वाली बात नहीं आ रही है, उमंग वाली बात नहीं आ रही थी। जोश भी आता है तो कितने दिन के लिए आता है? आया राम गया राम। और बाबा सीढ़ी के चित्र में जो विपरीत काले विपरीत बुद्धि है वो बिना चंदी के रिश्ते में जो छह आत्मा को बताया सीढ़ी के चित्र में, उसमें जो सनातन धर्म से जुड़ी जो दो आत्मा है ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा, जो कि सत्युग के पास लक्ष्मी नारायण, वो सनातन धर्म के आदि हैं? आदि नहीं है, लेकिन विनाश होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। हाँ तो हो गया। नहीं उनके पीछे जो बताए बाबा विष्णु किशोर भाव को और प्रकाशमणि दादी को बताए आजू बाजू, हाँ आजू बाजू वो तो है सत्युग के सेकंड लक्ष्मी नारायण, और उनके पीछे जो है थर्ड वो मनमोहिनी दीदी और आनंद किशोर भाई को बताया, तो क्या वो सत्युग के थर्ड लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है? हो सकता है, हो सकता है, माने हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात पक्की नहीं कही जा सकती। माँ तो फिलहाल तो दो जोड़ी जो बता रहे हो, तो दो जोड़ी सत्यु की लक्ष्मी नारायण की है, और जो तीसरी बिठाई है वो भी तो जोड़ी होनी चाहिए ना बाबा। ठीक है, लेकिन जो भी बिठाए हुए हैं
तो सब विनाश काले पृथ्वी की बुद्धि 40 वर्ष का संगम युग पूरा होने के बाद विनश्यति की लिप्त वाले हैं, माना कम कला वाले हैं, चढ़ती कला वाले नहीं है। और कोई आत्मा शादी करती है और बिना भट्टी करे अगर भट्टी नहीं करती है और संगठन में आती है तो क्या उसे आने देना चाहिए? संगठन जो सामान्य होता है और एक विशेष संगठन होता है, तो संगठन में तो आना नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। आ सकते हैं, क्लास में भी आ सकते हैं, लेकिन बाबा से मिलने की परमिशन नहीं है। जब तक दोबारा भट्टी न कर लें युगल पहे। और जिसको फॉलो करना है उसको भी वैस करना पड़ेगा। एक तरफ से अम्मा के चित्र भी मतलब क्या बोला? अम्मा का चित्र भी मतलब अम्मा के पास ब्रह्मा के चित्र मंत्र को ऐसे कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्रह्मा को फॉलो करना है, तो ब्रह्मा को कर्म में फॉलो करना तो उसको याद करना पड़ेगा ना। ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में, डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन ब्रह्मा का नहीं है, डायरेक्शन है शिव बाबा का। और जो कर्म किए हैं वो कर्म ब्रह्मा ने किए हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं किया है ब्रह्मा ने। जो नीचे गिराने वाला हो नियमत के अनुकूल ही कर्म किए हैं, इसलिए बच्चों को ब्रह्माचारी बनना है। बैठा हुआ है बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं ना, तो बीच में जो जो इंटरफियर करके बोलते हैं वो उसको भी ठीक कर देंगे। जिन्होंने बिंदी को याद किए वो फायदा में रहे या नुकसान में रहे? तो अच्छा हुआ ना। और बाबा सिखाते हैं कि शास्त्र बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म इजराइल में हुआ और उनका जन्म जो है मेरी कन्या के द्वारा हुआ, तो मतलब ये कैसे संभव है बाबा? बाबा ने तो बता दिया, मुरली में ही बता दिया। तो दुनिया वाले प्रश्न करते हैं तो उन्हें बताना है कि जिस धर्म में अधूरी धर्म की स्थापना है, जिस धर्म से स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता, उसमें कहीं त्रुटि हो सकती है या नहीं?
धर्म की जो भी बातें बताई गई उन बातों में अधूरापन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, बात खत्म। इसराइल तो पुराना देश है, ये भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया है। रायल और अनरायल, रायल्टी ब्रह्मा में थी, ब्रह्मा के पार्ट में रायल्टी थी या बाप के पार्ट में रायल्टी है? तो ब्रह्मा है कृष्ण की सोल, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है हर बात में। और बाबा जो भविष्यवाणी में बोला हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम एक ही समय पे पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे हमारा एडवांस का जो संगठन चलता है हर मंथ में, वो एक ही समय पे नहीं हो सकता यार। जो भी संगठन क्लासेस होते हैं वो सबकी राय से होते हैं, इसमें किसी एक की राय मान ली जाए और सबकी राय ना मानी जाए ऐसे थोड़ी चलता है। सबको जिसमें सुविधा हो वैसा करना है। और बाबा वार्तालाप में आया कि गांधी जी का वेरिफिकेशन दिया था गंदी पानी चलाने वाले, वो इंदिरा गांधी के लिए अंदर दिल में डर भरा हुआ है। नहीं बाबा गांधी जी के लिए आया था, गांधी जी इंदिरा गांधी के दिल में डर भरा हुआ है इसलिए वो इंदिरा गांधी, कोई ने खराब कर्म किया होता है तो अंदर से डर भरा रहता है। गांधी जी ने ऐसा कोई खराब काम नहीं किया, नहीं। अगर गांधी जी ने भी खराब काम किया होता तो गांधी के लिए ब्रह्मा को समानता में नहीं रखते। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी तो खराब काम किया ही ना। क्या खराब काम किया बाबा? अपनी माँ को अपना पत्नी बना के बैठा है। तो अज्ञानता में आदमी से क्या न क्या हो जाता है। अज्ञानता है तो अज्ञानता की बात है ना, बच्चा बुद्धि की बात है। बाबा बड़ा सबसे बड़ा शैतान भी वो, और बच्चा बुद्धि बोल के उनको ये अलग भी कर देते हैं बाबा। ये शैतान और भगवान भारत की परंपरा में ज्यादा गायन और ज्यादा शास्त्र कृष्ण के लिए बने हैं या राम के लिए बने? तो राम के मुकाबले वो बड़ा भगवान तो है पब्लिक की नजर में बाबा। लेकिन पब्लिक की नजर में वो भगवान है, और उनके भगवान वही तो निमित्त बने पब्लिक को नीचे गिराने के। गीतापति भगवान कृष्ण बनकर बैठे ना, वही तो निमित्त बने, तो भगवान कैसे हो गए? एक बच्चा होता है और एक बाप होता है, बच्चे को बच्चे का पार्ट अदा करना है और बाप को बाप का पार्ट अदा करना है। तो बच्चा तो बच्चा बुद्धि ही रहेगा ना, क्योंकि उसे बच्चे के रूप में जन्म लेना है। और बच्चा बुद्धि जब कहा जाता है तो उनमें इनोसेंस आता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा में कोई इनोसेंस नहीं आता। आदि यज्ञ के आदि में भी माँ और बाप के बीच फ्रिक्शन पैदा करके माँ को अपने, ब्रह्मा ने फ्रिक्शन पैदा नहीं किया, ये तुम्हारी बुद्धि में गलत फहमी बैठ गई। जो बच्चे हैं दूसरे दूसरे धर्म के, लेकिन बहकाया उन बच्चों ने उनको बहकाया। आज भी माताएं घर परिवार में जो हैं, माताओं की गलती नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि वो माताओं को बहकाते हैं।
बरगराते हैं। इसलिए ब्रह्मा निष्कपट है। तो आज भी जो है बड़ी माँ, उनको बहकावे में लाने वाले भी आत्मा वही हो गई, तो इस आधार पे तो हो सकती है ना बाबा। तो यज्ञ के आदि की बात करें तो चलो, हम ब्रह्मा आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा को बहकाया तो उन्होंने बड़ी माँ को अपने दल में कर दिया शामिल। उस हिसाब से ब्रह्मा का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो कौन है? ब्रह्मा का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज ने बनाया बजाया। जो असली माँ थी उसने तो पार्ट नहीं बजाया। तो जिसने पार्ट नहीं बजा पाया उसने अपना सारा भार दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर सौंप दिया। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रचना है वो माता है, लेकिन माता श्रेष्ठ रचना नहीं है, उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी बच्चे में पावर आती है। ब्रह्मा की सोल ज्यादा पावरफुल हो गई माँ के मुकाबले। माँ के मुकाबले फर्स्ट रचना है माँ, लेकिन श्रेष्ठ रचना नहीं है। लेकिन उसी पावर का तो गलत इस्तेमाल किया ना उन्होंने। किन्होंने? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने जो गलत इस्तेमाल किया उसका फल नहीं ले लिया? और कुछ ज्यादा फल देना है क्या? तो फायदे में आ गए। और बाबा उन राते जो है वो थी, जो वो ब्रह्मा बाबा की बेटी थी ज्ञान में, परंतु उनको पत्नी का नाम बताया गया, तो इसीलिए संसार में ज्यादा व्यभिचार फैला हुआ है कि पिता की दृष्टि बेटी के ऊपर बुरी जाती है। ऐसा कोई प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा की ओम राधे के प्रति बुरी दृष्टि गई? ऐसा कोई प्रूफ है? जब नहीं है तो हम ब्राह्मणों को तो नहीं बोलना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे बाबा, लेकिन संसार में अभी ऐसा हो रहा है ना कि पिता की दृष्टि बेटी पर बुरी जाती है। संसार के लोग जो हैं, वो भगवान की वाणी को पहचानते हैं या मनुष्यों की वाणी को पहचानते हैं? मनुष्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं उनके आधार पर बोल रहे हैं या भगवान के आधार पर बोल रहे हैं? किसके आधार पर बोल रहे हैं? मनुष्यों ने शास्त्र लिखे, मनुष्य विकारी है, विकारी बुद्धि से उन्होंने जो विकारी बातें भरी हुई है उनके आधार पर मनुष्य संसार के बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनके पीछे हमें थोड़े जाना है। दुनिया तो क्या क्या बोलती है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। हमको तो असलियत मिल गई। हाँ क्या बताई? सात बातें बताई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी सात बातें बताई? उन सात बातों में कौन कौन सी बातें समझ में नहीं आई है? वो सात बातें कौन सी है? कोई बात समझ नहीं। एक बात तो बताओ कौन सी बात है? माताओं के लिए जो बनाया है अभी पानी में, तो उसके लिए जब आप आए हो तो आप माताओं में इतनी बेहतर भी भरेंगे कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कर ही रहे हैं लेकिन और आगे कैसे करेंगे? माताओं में जो प्योरिटी की पावर है उस प्योरिटी की पावर को दृढ़ता से फॉलो करेंगी, कमजोरी नहीं आने देंगी, तो शक्ति स्वरूप बन जाएंगी। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो बनना तो है। लेकिन
पति को नहीं समझाना है। कोई कहे कि जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल मिला हुआ है उनको समझाना है, वो थोड़ा ही समझेंगे। अगर वो समझाने से समझ जाए फिर तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त वो ही बन जाएंगे। वो नहीं समझेंगे, इसलिए हमको परिवर्तन होकर के दिखाना है। हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर अमल अबलापन तो नहीं आता है। कलयुग में नारी जाति अबला बन गई तो कम से कम मन से तो सबला बन सकते हैं। तन सबल नहीं है, धन सबल नहीं है, जनशक्ति सबल नहीं है, लेकिन मन के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। मन को कौन रोक सकता है? तो मन से पावरफुल बन करके दिखाए। ब्रह्मा रूपी मन को भी बल मिल जाए वो भी पावरफुल हो जाएगा। अब जो संशोधन करते हैं डॉक्टर आदि और काम है मेहनत है इनको काटते हैं तो उससे अपने कर्म की दुर्गति होती है क्या? उनका लक्ष्य क्या है काटने के पीछे? मेंढक को काटते हैं, सांप को काटते हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है? हाँ, मनुष्य का कल्याण करने का लक्ष्य है। मनुष्य सर्वोपरि प्राणी है, मनुष्यों का उद्धार कर लिया तो दूसरे जीव जंतुओं का उद्धार स्वतः ही हो जाता है। जितना बड़ा लक्ष्य लेकर के कार्य किया उस हिसाब से उन्होंने जो छोटा सा हत्या का काम किया और मानवीय जनरेशन को बचाने का काम किया वो कुछ भी नहीं है। मनुष्य जाति जब सुधरती है तो सारी दुनिया सुधर जाती है। मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है, मन बुद्धि की तीव्रता है, प्रखरता है, वो वायुमंडल को फटल पलट सकता है और दूसरे जीव जंतु वायुमंडल को पलटने वाले नहीं है। इसलिए मनुष्य की सुरक्षा बड़ा काम है। हाँ जी, उसमें भी लक्ष्य देखा जाता है। किसी को राजा ने दंड दिया तो अनेकों के कल्याण के लिए दिया या अकल्याण के लिए दिया? एक व्यक्ति ने हत्या की, हत्या के बदले में उसको प्राण दंड दिया गया, राजा ने दंड दिया। लेकिन अगर दंड न देता तो उसका अंजाम क्या होता? वो अकेला नहीं मारता और ढेर सारे तैयार हो जाते जो ढेरों की हत्या करते रहते। तो प्राण दंड के मुकाबले उसने अच्छा काम ज्यादा किया या बुरा ज्यादा किया? क्योंकि राजा का गुस्सा गलत भी हो सकता है। ये मूर्ख राजा होते हैं उनकी बात ही अलग है। बाबा
सभी गीत आपके ऊपर बनाए गए तो ये गीत जो है हम होंगे कामयाब एक दिन, तो वो दिन सब आएगा जब हम कामयाब होंगे, ज्यादा बनाए ज्यादा कामयाब। ये आपके ऊपर बनाया गया है बाबा, मुझे तो समझ आता है आपके ऊपर बनाया। तो हम सब मिलकर ही कामयाब करेंगे, होंगे कामयाब, और हमारी विजय हुई पड़ी है। कल पहले भी हम विजयी हुए थे, अभी भी हम विजयी है। जो हिम्मत हार जाता है उसको हारा हुआ कहा जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मृत्यु पर्यंत जिसकी बुद्धि में ये समाया रहे, हमारी जीत हुई पड़ी है। तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो हारा हुआ है या जीता हुआ है, क्योंकि अंत मते तो गति होने वाली। इसलिए बोला है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो पाना था तो पा लिया। जब इतना तक बुद्धि में बैठा हुआ है तो हार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अष्टदेव आठ धर्मों की अलग अलग आत्मा है। आठ धर्मों की अष्टदेव थोड़े ही आत्मा है, तीन रूप है आठ धर्म। वो आठ धर्म की थोड़े ही है, आखिरी जन्म में जा करके कोई न कोई धर्म से प्रभावित हो जाती है। उनका संस्कार भी वैसे ही होंगे, उनके संस्कार आखिरी जन्म में हतप्रभ हो जाते हैं। 83 जन्मों में वो हार खाने वाली नहीं है। सबसे पहला सम्मेलन तो उनका होगा ना, उनके संस्कार एक कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो कम समय के लिए हलचल में आए हैं। ज्यादा लंबा समय उनका विजयी बनने में गया है। अभी भी आज की वाणी में भी क्या बोला, लंबे समय के पुरुषार्थी या कम समय के पुरुषार्थी कामयाब होंगे, तो उनका लंबे समय का पुरुषार्थ होता है। मुरली में तो ये बात आती है कि कराची से मुरली चली आई है, कराची से मुरली चली चली आई है, तो हम 48 से अगर पकड़ेंगे, 1948 जब रिस्पॉन्स है दादा, लेकिन प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू किया कराची से, तो 69 तक आते हैं तो 21 साल का हो जाता है, तो 1800 और 21 साल का हिसाब है। कराची से मुरली चली आई है बाबा बोल रहे हैं मुरली, तो कराची से अगर मुरली चली आई है 48 से शुरू हुई है, 48 से जब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, लेकिन अगर 51 से अगर लिया जाए 1951 टू 1968 तो 18 साल हो जाती है, 51 से लेकर 68 तक, हाँ जी, तो 18 साल हो जाती है। तो बाकी 3 साल हम किस क्रेडिट में पकड़ेंगे, कौन से 3 साल, 48 से 50 तक कराची से मुरली चली आई है। मुरली तो चलती थी लेकिन उसकी कापियां नहीं निकाली जाती थी। ये कापियां तब निकाली गई है जब बहनों को अलग अलग शहरों में भेजा गया, तो उनके पढ़ने के लिए उसकी लिखो कापियां निकाली गई, इसलिए तब कापी नहीं निकलती थी, वो तो इकट्ठे रहते थे, कापी निकालने की क्या जरूरत। जब सेवा में बाहर निकले हैं तो 18 वर्ष की वो 18 अध्याय गीता गाई है। वही फीचर्स रहेंगे तो फिर तामसी ही रहेगा। नई दुनिया बनेगी तो सब कुछ नया होगा, खून का एक एक बूंद नया हो जाएगा, चेहरे भी चेंज हो जाएंगे,
यही चेहरे बने रहेंगे तो चरित्र कैसे गाए जाएंगे देवताओं के। और कुमार का दादी जो है वो बीमार है। हाँ जी। और कुछ विस्मृति है। विस्मृति है। हाँ जी हाँ जी। और कुछ अगर उनको जो यज्ञ में उन्होंने गलतियाँ की तो आगे चलकर उनको महसूस कैसे होगा? हैं? महसूस कैसे होगा? अभी वो भूल जाती है। हाँ। तो हम लोग नहीं भूलते हैं क्या? नहीं मैडम, वो विस्मृति अभी आप बैठे तो आप कौन है ऐसी पूछती है इतनी विस्मृति होगी? हाँ तो बताने से आता है ना स्मृति। हम भी कोई बात भूल जाते हैं तो हमको कोई याद दिलाता है तो याद आता है ना। उनकी विस्मृति ज्यादा तामसी स्टेज में जा रही है। जब सात्विक की स्टेज आएगी तो परिवर्तन हो जाएगा। वो लोग समझते हैं कि कुमार का दादी जो है ना अभी कर्मातीत स्टेज बन गए उनके वाले, इसलिए उनका यानी कुछ भी उनसे होता नहीं होती जिसके काम। हाँ कुछ भी नहीं। उस समय में चला जाता है तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है क्या? ज्ञान में अकेली आत्मा चलती है घर में। हाँ अकेली चलती हो, दुकेली चलती हो, तीन चलते हो, चार चलते हो, लेकिन पूरा परिवार नहीं चलता है तो भी उनको शूद्र कहेंगे। जिनका पूरा का पूरा परिवार चलता है, इतनी संगठन शक्ति उनकी ज्यादा है कि एक आत्मा निकलती है तो पूरे परिवार को संगठन शक्ति में बांध लेती है, उसको कहेंगे ब्राह्मण। सब सुन रही है क्या? ढेर सारे परिवार है जो पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है। हाँ एक है तो इतना सहयोग, इतना स्नेह शक्ति परिपक्व नहीं बनी है। इतने नहीं होगा तो पूरा सहयोग भी नहीं होगा, टकराहट ज्यादा होती होगी। इसलिए और सहयोग की शक्ति बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती है। कभी कभी तो लगता है जैसे लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों की रील घूम रही है। जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो अच्छा अच्छा देखने में आता है, और बुरे कर्मों की रील घूमती है तो डावाडोल नजर आता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। तो बाबा क्या करें? तो जांच करें और क्या करें? तो बाबा उनकी रील जो एक ही थोक बात बता दी, अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। हमारे घर में तो बाबा सब कुछ सब लोग सहयोग देते हैं पति के सिवाय। तो सब मिलकर के ताकत लगा दीजिए। बाबा प्रेम से सबको जीता जा सकता है ना? हाँ तो वही हमें लाना है जीना। हाँ Thank you.
बाबा मुरली में आया कोटो में कोई और कोई में भी कोई बिरला बच्चा है जो बाप को पूरा पूरा पोता मेल देता है, ये तो अष्टदेव में से कोई होंगे ना बाबा। ये बाप को पोता मिल देने की बात बोली या बाबा को पोता मिल देने की बात बोली? लेकिन बाबा बाप को पोता मिल देने की जरूरत ही नहीं ना, बाबा ने क्लियर किया मुरली में क्या कि साकार को पता पड़ना चाहिए। हाँ? हम कर्म होता है हमसे गलत। हाँ? जो भी। हाँ? तो साकार को पता होना चाहिए क्योंकि वो तो जानी जाना हार है शिव बाप। हाँ? तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं आती। वो साकार लोगों को साकारों को निमित्त नहीं बनाता है। साकार साकार खुद को कैसे देंगे? जो निराकार है वो साकार को निमित्त बनाता आया है या नहीं यहाँ बनाता आया? तो जो भी साकार निमित्त बने उनको अपना पोता मिल देना चाहिए। लेकिन बाबा ने बोला बाप को देना है बाबा। हाँ बाप को देना है, बाबा को नहीं। हाँ तो बाप को क्या समझ के देते हैं? किसी को पोता मिल किसको दिया जाएगा? जिसके अंदर खुद त्रुटि नहीं हो उसको पोता मिल दिया जाएगा। लेकिन मुरली में तो बाप बोला ना। जिसको बाप बोला है वो आत्माओं का बाप है, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, वो सदाशिव है, वो ही पोता मिल लेने योग्य है। जो साकार है वो त्रुटि करता है या नहीं करता है? त्रुटि करता है, इसलिए वो पोता मिल लेने योग्य नहीं है। अगर आता भी है तो नीचे से आता जाए ऊपर देता जाए, नहीं तो बुद्धि दब जाएगी कचड़े में। नहीं फिर बाप जो है वो पोता मिल किसको देते हैं? साकार बाप। साकार बाप जो भी निमित्त बने होंगे बेसिक में उनको पोता मिल दिया होगा। लेकिन वो तो बात वो पुरानी हो गई ना बाबा। अरे पुरानी हो नहीं क्या, वो नियम की। लेकिन उस समय बाबा उस समय वो राम वाली आत्मा ने क्या सोचा था? क्या सोचा था? शिव बाबा को दे रहा हूँ या उस निमित्त को दे रहा हूँ? उसको इतनी अकल होनी चाहिए सदाकाल। सदा काल सोना कौन है? सदाशिव कौन है? शिव बाप ही सदाशिव है, वो कभी गिनतियां गलतियां नहीं करता, उसी को देना है। ये देहदारी तो क्या, ये तो नीचे ऊपर होने वाले। बाप करके प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ था ना उस समय बाबा, 76 के पहले की बात। बाप अभी प्रत्यक्ष हो गया क्या? हमारी नजर में तो हो गया, तो हम आज हो गया कल खत्म। बाबा पॉजिटिव सोच रहे हैं आप तो नेगेटिव में गिरा। बाबा अगर कई बार कुछ ऐसा हो गया तो लिख के फिर रख सकते हैं ना तकिए के नीचे कि हमने बाबा को बोल दिया। वो अपने तकिए के नीचे रख लो, बात एक ही है। बाबा हाँ आज की इफेक्ट वाणी में आया कि 70 साल ये को पूरे हुए, 71 साल चालू हुआ। हाँ जी। तो कुछ कमाल करके दिखाओ। हाँ वो कमाल क्या होगा? कुछ तो होगा, कमाल होगा तो धमाल शुरू होगा। मतलब धमाल का पहला साल माने क्या? नहीं कमाल का पहला, पहले कमाल करेंगे फिर धमाल करेंगे। कमाल में धमाल है ना, कमाल के बाद धमाल होगा। नहीं हमारी नजर में कमाल होगा लेकिन औरों की नजर में धमाल होगा। होने दो, वही कमाल धमाल एक ही हो गया। फिर ये कैसे हो गया? औरों की नजर में ना। बाबा जो आत्मा आते ही किसी में रहता है तो बाबा ने मुरलीमा बोला है कि आप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। आत्मिक स्मृति से नहीं विक्रम विनाश होते हैं। आपको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। हाँ। तो आपको जब आत्मिक चित्त में रहते हैं तो बाप याद नहीं रहता है। आत्मिक स्थिति रहने पर बाप याद नहीं रहता, ऐसे थोड़ा ही होता है। आत्मिक स्मृति होगी तो बाप सहज याद आ देगा। देवान की स्थिति होगी तो बाप याद नहीं आवेगा। तो आत्मिक स्थिति में रहेगा खुद के रूप के बीच में वो एकदम टिका रहेगा। हाँ तो फिर बाप उसको कैसे याद आएगा?
यहाँ जिसको याद करना है वो सिर्फ निराकार है या निराकार साकार का मेल है? तो क्यों नहीं याद आएगा? और सहज याद आएगा? निराकार को खींच करके बुद्धि से याद करना पड़ता है, और साकार से अगर संबंध जुट गया है प्रैक्टिकल में तो सहज याद आएगा या कठिनाई से याद आएगा? सहज हो जाएगा, सहज होगा तो निरंतर भी होगा। बाबा शास्त्रों में दो प्रसंग आते हैं, एक गणेश की और एक प्रजापिता की। तो गणेश जब अपने पिता को नहीं पहचान पाता शंकर को, तो शंकर उसका गला काटते और हाथी का सूंड लगाते हैं, ये पहला प्रसंग। और दूसरा प्रसंग ये है कि प्रजापिता ने जब यज्ञ रचा और सबको निमंत्रण दिया और शंकर को नहीं बुलाया गया, तो शंकर अपने रुद्रगण द्वारा प्रजापिता के यज्ञ को तहस नहस करते और शंकर का भी गला, अपने प्रजापिता का भी गला काटकर उसको बकरी का ये लगाते। ये बेहद के ड्रामे में कैसे फिट होगा? यहाँ तो हमें पता चल गया है ना कि प्रजापिता और शंकर का व्यक्तित्व तो एक ही है। ये शास्त्रों में कथा कहानियाँ लिखी है वो विकृत बुद्धियों वालों ने लिखी है या सालम बुद्धि वाली वालों ने लिखी है? जो भी कथा कहानियाँ लिखी है हमें बाबा की वाणी से टैली करके उनको ग्रहण करना है। बाबा ने क्या बोला? बाबा ने तो बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो क्या साबित हुआ? ये अलग अलग हैं या एक ही है? एक ही है। तो फिर परमात्मा एक और उसके स्वरूप बने ऐसे हो जाएंगे? नहीं, जैसा जैसा जहाँ जहाँ जो भी काम किया वैसा वैसा टाइटल पड़ गया, नाम पड़ गया, काम के आधार पर अनेकों नाम पड़ गए। और बाबा अभी जो रिसेंटली सलाम हुसैन को फांसी हुआ है उसके बारे में एक प्रश्न है कि आप बताएं उसको कैसे फांसी हुआ, क्या जल्दी फांसी दिया गया? हाँ आप टैली करके बताएं। क्या टैली करके बताएं? उनका कहने का मतलब यह है कि सद्दाम हुसैन को जो फांसी दी गई है वो वक्त के पहले दी गई है, क्योंकि अगर 3 दिन भी लेट होती है तो उसकी फांसी रद्द हो सकती थी, क्योंकि उस कंट्री के रूल के हिसाब से मार्च में उसकी आयु 70 साल की पूरी हो जाती है, तो 70 साल के बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं दी जा सकती है। ये दुनिया में अभी अति होगी तब अंत होगा, यह अति रोकी जा सकती है? अति होगी या नहीं होगी तो कैसे होगी? ये तो अभी एक सद्दाम हुसैन की बात आई सामने, अभी तो पता नहीं जाने कितने सद्दाम हुसैन सूली पे चढ़ेंगे। बाबा वो जो है कभी भी अल्लाह मियां को मानता नहीं था वो, जब वो शासक था। हाँ जी। और जब फांसी दिया जाने लगा उसको तो सिर्फ कलमा है और उसको अल्लाह मियां ही याद आते रहे। जो क्रिश्चियंस का नास्तिक ग्रुप है रशियंस, वो भगवान को नहीं मानते। आखिरी जब विनाश पुर जोश पर होगा तो उन्हें भगवान के सामने झुकना पड़ेगा कि नहीं? झुकना पड़ेगा। तो उन्हीं में से सद्दाम हुसैन भी है। बाबा अगर सद्दाम हुसैन की आत्मा ये समझती है कि उसको न्याय नहीं मिला तो क्या वो दूसरों में किसी में प्रवेश करके अपना न्याय देगी? जिसको चिंतन करेंगे वैसी बुद्धि बन जाएगी। Thank you.
वो तो शिव बाबा है और आप ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा को अपनी वाणी नहीं है, आप उस वाणी को साकार कर रहे हैं। बाबा जो ब्राह्मणों को जो वरदान दिया है कि एक भी आत्मा चलेगी तो सारा परिवार चलेगा, हाँ? तो जो बाकी परिवार है, हाँ? तो वो 9 लाख के अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं? 9 लाख के अंदर वाले क्यों, 4.5 लाख के अंदर वाले होने चाहिए या 9 लाख वाले होना चाहिए? सभी परिवार वालों की बात, 9 लाख मतलब 4.5 लाख के जो 9 लाख है उनमें 4.5 लाख तो जन्म लेने वाले हैं, वो बेसिक नॉलेज तक सीमित है। और जो एडवांस में चलने वालों का परिवार है, जो सुबह से शाम तक सीडी और डीवीडी सुनता रहता है, उसमें बेसिक नॉलेज के संस्कार होंगे या एडवांस नॉलेज के संस्कार होंगे? एडवांस नॉलेज जिसके अंदर भरी हुई होगी बुद्धि में, वो 4.5 लाख के अंदर आएगा या जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में जन्म लेगा? लेकिन बाबा उन्होंने लक्ष्य तो नहीं लिया है ना, शरीर भी छोड़ सकते? अभी नहीं लिया है, जब प्रत्यक्षता हो जाएगी चारों तरफ अखबारों में, टीवी में, रेडियो चैनल में, तो उनकी बुद्धि आकर्षित होगी या नहीं होगी? तो देखो हमारे परिवार में से एक आत्मा तो ऐसी निकली है जिसने उस श्रेष्ठता को पहचाना, पहले पहचान लिया, तो हम भी उसको सहयोग देवे तो सारे ही सहयोगी बन जाएंगे। तो उनको शूद्र नहीं कह सकते हैं? शूद्र नहीं कह सकते, सारा परिवार ही चल गया। जब सारे परिवार चल जाएंगे तब शूद्र नहीं कहेंगे, जब तक नहीं चलते हैं तब तक शूद्र पाने की शूटिंग हो रही है। बाबा तो वैसे तो बहुत सारे आत्माएं हैं जिसके घर में जो है एक चलता है, चार नहीं चलते हैं। और ऐसे भी तो परिवार है जिनका पूरा पूरा परिवार चल रहा है। तो आप अच्छे वालों को देखिए ना, आप भी अच्छे बन जाएंगे। चलाना उनको तो है, उनको चलाना जो है, हाँ? जो ज्ञान में नहीं चल रहे परिवार के, हाँ? वो अपने बस में तो नहीं है ना, लेकिन अपने अपने कर्मों के बस में है ना। जिसने जैसे कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार ही सफलता होगी, पहले तो हो नहीं जाएगी। यूं कहा जाए मतलब उसके आधार पे उस घर में जन्म लिया है उस आत्मा ने। और क्या, और बाबा अष्टादेव जो है, हाँ? अष्टादेव में जो 4 राइटियस धर्म से प्रभावित होते हैं, हाँ जी, और 4 लेप्टिस्ट है, हाँ? 4 लेप्टिस्ट धर्मों से प्रभावित होते हैं, हाँ? तो जो राइटियस है वो पावरफुल है, हाँ जी, तो पावरफुल जो है जो राइटियस है वो पावरफुल नहीं होते, जो लेफ्टिस्ट है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। इधर में जो है वो पावरफुल है, हाँ? तो वो पुरुष चोला होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है, क्योंकि पुरुष आदमी की स्थिति की बात है, इधर में है ना, है इधर नहीं है ना, हाँ? तो पावरफुल पुरुष चोला ही होगा, ये कोई बात नहीं होती। पर्सन अपने कहा है कि वो पुरुष चोला होना चाहिए और जो राइटियस है वो स्त्री चोला, हा? जो राइटियस है, हा? जैसे बुद्ध धर्म है और बाकी जो धर्म है, हा? तो वो स्त्री चोला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि राइटियस है। नहीं, ये तो अष्टदेव में आने की क्वालिटी है आत्मिक स्थिति बनने की, जिसकी जिसकी पहले पहले आत्मिक स्थिति बनेगी वो पहला नंबर, जिसकी दूसरे नंबर पर बनेगी वो दूसरा नंबर, नंबर वार है। आत्मिक स्थिति के ऊपर पूरा मदार है, स्त्री पुरुष चोले की बात नहीं है। हाँ, भाई का प्रश्न है, 16,000 भी दूसरे छिलके के, दूसरे धर्म के छिलके वाले है और 4.5 लाख में भी दूसरे छिलके के वाले है, तो 4.5 लाख में दूसरे धर्म के छिलके वालों का 84 जन्म होंगे और 16,000 के दूसरे धर्म के छिलके वालों का
84 जन्म नहीं होंगे, उनको ऊपर जाना पड़ेगा, 16,000 वालों को ऊपर जाना पड़ेगा जिनके 84 जन्म नहीं होंगे। 16,000 की जो संख्या है वो समर्पित बुद्धि वालों की है, जो सरेंडर होते हैं। कोई पहले सरेंडर होंगे और आज से लेकर के अंत तक सरेंडर बुद्धि होकर के रहेंगे तो उनकी वैसी शूटिंग होगी, और कोई अंत में सरेंडर बुद्धि बनेंगे उनको वैसी प्राप्ति होगी। ज्यादा पावर किसमें भरेगी? जो आज से अंत तक रहेंगे वो कौन से वंश के होंगे? सुरेंद्र जी होंगे। हाँ, जो दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित होने वाले होंगे। ये भी तो बोला कि 16,000 एक साथ जो मन के हो, जो गुप्त पुरुषार्थ करने वाले। 16,000 नहीं है गुप्त पुरुषार्थ करने वाले, उनमें दास दासी बनने वाले नहीं है। अतिंद्र सुख भी वही गुप्त है बोला। हाँ, वो नंबर वार एक जैसा नहीं, उसमें भी नंबर वार है। कोई तो ऐसे है आखिरी जन्म में जाके प्रिंस बनेंगे, राज परिवार में आवेंगे, और बाकी उससे पहले के जन्म में दास दासी बनते रहेंगे। तो राज परिवार में रहेंगे वो? लास्ट जन्म में राज परिवार में आ गए, मैं पीछे के जन्मों में राज परिवार में ही रहेंगे वो, दास दासी बन के वो। ये भी हो सकता है कि राज परिवार को छोड़ करके कहीं प्रजा वर्ग में जाकर के दास दासी बने। अभी मान लो आज सरेंडर है, सरेंडर हो गए पब्लिक की नजर में, और कल निकल गए तो यदि से बाहर हो गए तो किसके अंदर में पलना पड़ेगा? दुनिया वालों के अंदर में पलना पड़ेगा, तो उनके दास दासी बनने की छूटी होगी। तो बाबा 16,000 वाले 4,500 लाख वालों से मतलब कम पुरुषार्थी है?